नमस्कार, मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। इससे पहली वीडियो में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो डाइजेशन जो शुरू होता है वो हमारा मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी से शुरू होता है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि भी कैसे कैसे डाइजेशन शुरू होता है और डाइजेशन के अंदर क्या क्या कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा माउथ, माउथ कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसको बकल कैविटी बोलते हैं, जो हमारा मुंह होता है, मुंह के अंदर जो जहां खाना हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा जो मुख गुहा होता है इसको माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब बकल कैविटी के अंदर में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तीन जोड़ी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हमारी बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर में होते हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली और जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीन सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं नॉर्मली भी हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है वो सलाइवा, ये तीन जो ग्रंथियां हैं, ये तीन ग्रंथियां जो हमारे मुंह के अंदर जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर में सलाइवा बनाते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर जो है ओरल कैविटी के अंदर एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि भाई ओरल कैविटी के अंदर एक दिन में कितना सलाइवा बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर तक एक दिन में सलाइवा बनता है। अब इस सलाइवा का काम क्या है, ये क्यों हमारे पाचन के लिए जरूरी है? तो सबसे पहले जो है इस सलाइवा के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो डाइजेशन के लिए जरूरी हैं जो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणु नाशक होता है, यानी कि कोई जीवाणु कोई कीटाणु अगर खाने के साथ में हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है तो जो है इस ये जो हमारी लार है वो उसके अंदर जो लाइसोजाइम है वो लाइसोजाइम जो है सारे जीवाणुओं को वहां पे, सारे भी नहीं तो काफी हद तक जीवाणुओं को वहां पे खत्म कर देता है मुंह के अंदर ही। जब लार खाने के अंदर में मिलती है तो बहुत सारे जीवाणुओं को जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है उनको यहीं पे ही खत्म कर देता है। दूसरा टाइलिन होता है और एक डाइजेस्टेज होता है, ये दो चीजें और होती है हमारे लार ग्रंथि के अंदर में। तो ये दो चीजें जो है इन दोनों का सिर्फ एक ही काम होता है, ये स्टार्च बोलते हैं चोकर को, जो खाने अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है उसको बोलते हैं चोकर, उसका डाइजेशन करता है। टाइलिन और डाइजेस्टेज जो होता है ये चोकर का डाइजेशन करता है हमारे शरीर में, हमारे खाने में ये चोकर को डाइजेस्ट करता है। फिर जो चौथी चीज है वो है म्यूकस, इसके लार के अंदर म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, यानी कि भोजन जैसे हम रोटी चबाते हैं या हम चावल चबाते हैं, कुछ भी चबाते हैं उसको, तो उसमें लार जब मिलती है वो तो वो थोड़ा चिपचिपा थोड़ा सा मुलायम हो जाता है ताकि उसको निगलने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद में यह हम होगी हमारी ओरल कैविटी की बात, यानी कि हमारे मुंह की बात, मुख गुहा की बात, बकल कैविटी की बात। बकल कैविटी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपका बकल कैविटी का, ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में है हमारी ग्रास नली, ठीक है, इसको ओइसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। तो हमारी जो ये ग्रास नली है ओइसोफेगस है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, सिर्फ ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली क्या करती है कि खाने को ओरल कैविटी से मुख गुहा से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। अभी क्या होगा कि इसके अंदर एक पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया होती है। पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे खाना हमने यहाँ से गले से नीचे उतारा तो गले से नीचे उतरती खाना एकदम से जाके पेट में ना गिरे, समझ रहे ना, एकदम से जाकर के पेट में ना गिरे झटके से, तो खाना जो है वो धीरे धीरे आए पेट के अंदर, धीरे धीरे थोड़ा 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 करके, मतलब एकदम झटके से ना गिरे पेट के अंदर, वो धीरे से आके पेट में मिले, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। तो पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है, हमारी ग्रास नली के अंदर में होता है। ठीक है, तो वो खाने को क्या करता है, वो धीरे धीरे नीचे आने देता है एकदम झटके से, क्योंकि अगर गले से खाना जैसे नीचे उतरेगा तो झटके से एकदम पेट के अंदर ना गिरे, तो इसलिए यहाँ पे ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होता है जो कि खाने को धीरे धीरे तक नीचे तक हमारे पेट तक लेकर के आता है। ठीक है।